नवरात्रों में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे ने ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों में ज्वाला माँ का विधिवत पूजा अर्चना की और ज्वाला माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके आने पर पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला ने आंका स्वागत किया और उपमंडल अधिकारी राकेश शर्मा ने मंदिर में उनका स्वागत किया। नड्डा जी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नवरात्र इस बात का संदेश देते हैं, अंधेरे से उजाले का प्रतीक है, पाप के रास्ते समाप्त हो, पुण्य की तरफ बढ़े, समाज में सहनशीलता बढ़े और समाज विकसित हो। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस अवसर पर देश और प्रदेश वासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। द्वितीय नवरात्र में मुझे माँ ज्वाला माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ज्वाला माता जी का द्वितीय नवरात्र में मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं समझता हूँ कि नवरात्र इस बात का संदेश देती है कि हम अंधकार से उजाले की ओर चलें, पाप के रास्ते समाप्त हों और कम हों और पुण्य की तरफ बढ़ें, समाज में सहनशीलता बढ़े, समाज विकसित हो और सब में सुख और भाईचारा रहे, इसकी हम कामना करते हैं। नवरात्र हमें प्रेरणा देती है कि हम समाज में इस वातावरण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहें। ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, आज न्यूज़।